और अंतकृत केवली। अंतकृत केवली तो इसलिए उपदेश नहीं कर सकते क्योंकि उन पर जब उपसर्ग होता है तो उस उपसर्ग में उनकी आयु उदीर्ण हो जाती है, यानी प्राण घातक तो उपसर्ग है और प्राण निकलने से पहले अंतर मुहूर्त में वो आठों कर्मों का नाश कर डालते हैं, तो उपदेश कैसे करेंगे? वो अंतकृत केवली है। दुर्धरोपसर्गम निर्जित्य अष्टकर्मणाम अंतं करोति इति अंतकृत। दुर्धर उपसर्ग को जीतकर जो अष्ट कर्मों का अंत कर डालते हैं, अंतर मुहूर्त में आठ कर्मों का अंत कर डालते हैं, वो अंत कृत, कृत का अर्थ करने वाले, अंत कृत होते हैं, तो वो उपदेश नहीं करते। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि वो वीतराग हैं, सर्वज्ञ भी हैं, लेकिन हितोपदेशी नहीं। तो अरहंत भगवान, अरिहंत भगवान, केवली भगवान, वीतराग और सर्वज्ञ तो नियम से होंगे, हितोपदेशी होना वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं है, हो भी सकते हैं ना भी।